दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पानी और आग का मेल कभी भी नहीं होता है। सुनने की तो बात छोड़, हम बचपन से यही देखते हैं कि पानी और आग एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। लेकिन आज का वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पानी और आग, उन दो दुश्मन को आज हम दोस्त बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुल मिला के हम आज आप लोगों को यह दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इसकी मदद से हम पानी में आग लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम तो दुनिया में देखते हैं, दुनिया का एक नियम होता है कि जहाँ पर भी आग लगी हुई है हम उसको बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी और आग एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। जहाँ पर भी आग जलती हो उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो आग तुरंत बुझ जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दो तीन चीज़ ऐसी लेकर आए हैं और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इसकी मदद से हम पानी के ऊपर आग लगाने वाले हैं। उसको ना तो आग को कोई फर्क पड़ने वाला है कि वो पानी के ऊपर जल रही है, और पानी को ना कुछ भी फर्क पड़ने वाला है कि उसके ऊपर आग जल रही है। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को करते हैं शुरू। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो के लिए लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए फटाफट करते हैं शुरू। दोस्तों, हम इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आप लोगों के एजुकेशन और नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। इसीलिए आपको इस वीडियो में देखकर कुछ अपने घर पे दोहराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों को बस इस वीडियो में देख लेना है कि किन चीज़ों की मदद से क्या क्या होता है। हम इस तरीके की वीडियो सिक्योरिटी के साथ करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, और आप लोगों के फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ों की मदद से पानी के ऊपर आग लगाने वाले हैं। वो भी हमें घर पर मिल जाए इसी तरीके से। लेकिन आपको कहीं करना नहीं है, बस आपको देख लेना है और सीख लेना है कि इस तरीके से हम पानी के ऊपर भी आग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ का नाम आता है, वो है पेट्रोल। पेट्रोल हम सब, आप लोगों को पता ही होगा कि हम सब बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास है थोड़ा सा पेट्रोल, और यहाँ पर है हमारे पास एक बड़ी डिश, और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और फिर इसके ऊपर पेट्रोल डालेंगे और फिर इसको आग लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी मदद से हम पानी के ऊपर आग लगा सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए फटाफट इसको करके देखते हैं कि क्या इसमें आग लगती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा पानी, और इस डिश के ऊपर पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमारी पूरी डिश के ऊपर पानी आ चुका है, और अब हम सिंपल पेट्रोल को इसके ऊपर डाल देंगे और फिर तुरंत से इसके ऊपर आग लगा देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बहुत ही ज़्यादा दबंग से इसके ऊपर आग लग चुकी है। उसको ना तो कोई ही मतलब है कि अपने वो पानी के ऊपर जल रहा है। तो दोस्तों, हमारा पेट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से जला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल को भी इसने पूरा गंदा कर दिया है, बिगाड़ दिया है। हमारा टेबल का ऊपर का जो लेमिनेशन था वो भी जल चुका है। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि हम इस तरीके के वीडियो सिक्योरिटी के साथ करते हैं। आप लोगों को बस वीडियो देख लेना है, अपने घर पे ट्राई बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी चीज की ओर। दूसरी क्या चीज है उसकी मदद से भी हम पानी के ऊपर आग लगा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी चीज की ओर। दोस्तों, अब की बार हमारे पास है कुछ इस तरीके की एक ट्यूब। ये वो ट्यूब है जिसकी मदद से हम अपनी बाइक और बाइसिकल के टायर का पंचर बनाते हैं। ये पंचर बनाने के वाले के पास हमें मिल जाती है, और यह भी पानी के अंदर चलती है। तो चलिए मैं आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलती है। तो हम थाली में फिर से पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर कुछ इस तरीके से थोड़ी सी ये वाली ट्यूब हमें पानी के ऊपर डाल देनी है। तो दोस्तों, इस ट्यूब को कुछ इस तरीके से हमें पानी के ऊपर रख देना है और फिर लगानी है आग। देखा दोस्तों, यह बिल्कुल पानी के ऊपर जल रही है। यहाँ पर पानी ही है और कुछ भी नहीं है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को जला कर दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैं ट्यूब और डाल देता हूँ। देखा दोस्तों, ये भी पानी के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी चीज़ के ऊपर, क्या वो भी पानी के ऊपर चलती है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पंचर बनाने वाली ट्यूब की मदद से भी हम पानी के ऊपर आग लगा सकते हैं। और हमारे पास तीसरी चीज़ है लड़कियों के काम आने वाली नेल पॉलिश, और सुनने में आया है कि इसकी मदद से भी हम पानी के ऊपर आग लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर थाली में पानी है,
और ये हमारी ट्यूब है, इसको साइड कर देता हूँ। और अब इसके ऊपर नेल पॉलिश को डालकर इसमें आग लगा कर देखते हैं कि क्या इसकी मदद से भी आग लगती है या फिर नहीं। तो अब इनमें से थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देते हैं और फिर लगाते हैं इसमें आग। मैंने यहाँ पर नेल पॉलिश इसके ऊपर पानी के ऊपर डाल दिया और अब इसमें आग लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा देर तक तो नहीं चल रही है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चल रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इन्हीं सभी चीज़ों की मदद से हम पानी के अंदर भी आग लगा सकते हैं। उनके बावजूद एक चीज़ और है, वो है मैग्नीशियम मेटल। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम मेटल अंदर आग लग जाती है तो उसको पानी की मदद से हम बुझा नहीं सकते। तो दोस्तों उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों को उस वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमो करके दिखा देता हूँ कि मैग्नीशियम मेटल के अंदर आग लग जाती है तो उन्हें हम पानी डालकर बुझा नहीं सकते। तो चलिए इसीलिए इसको जलाने के लिए हमें इस टेबल को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेबल को हटा देते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर है मैग्नीशियम मेटल और वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और अब हम सिंपल थोड़ा सा मैग्नीशियम मेटल इस वाले पत्थर के ऊपर रख देंगे और फिर इसमें लगाएंगे आग और इसको पानी डालकर बुझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि अगर इसके ऊपर पानी डालते हैं तो ये बुझने की बजाय और ज़्यादा तेज़ जलता है। और जब ये जलता है तो सबसे ब्राइटेस्ट चीज़ों में से एक होता है, बहुत ही ब्राइट जलता है दोस्तों। तो इसको हम साइड कर देते हैं और फिर लगाते हैं इसमें आग और इसमें है पानी और पानी डालकर भी देखेंगे। तो चलिए मैं आग लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब इसमें आग लग गई है और अब सिंपल ऊपर से थोड़ा सा मैं पानी डाल देता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जैसे मैं पानी डालता हूँ तो ये बुझने की बजाय और भी ज़्यादा तेज जलता है, देखना। देखा दोस्तों, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर जलता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा कि किन किन चीज़ों की मदद से हम पानी के अंदर आग लगा सकते हैं या फिर कहे तो कि पानी की दोस्त हम आग को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो दोस्तों आप लोगों को इस वाले चैनल के ऊपर हमेशा इस तरीके के वीडियो, यूनिक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को हमेशा रेगुलर दिखते रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।